डीएनए फ्लो के एलिमेंट्स चैप्टर 8 क्लास 12 पार्ट 2 प्रेजेंटेड बाय विकास केमिस्ट्री क्लासेस मेक श्योर दैट यू हैव वॉच्ड पार्ट 1। एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एक रेडियस होता है और एक रेडियाई होता है। रेडियस जो है वो सिंगुलर वर्ड है और रेडियाई जो है वो प्लूरल वर्ड है। एटॉमिक रेडियाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो होता है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इंक्रीज करते हैं और चार्ज जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। हर सीरीज के एंड में न्यूक्लियर एटॉमिक रेडियाई जो है वो बढ़ना चाहिए बट वो कम होना चाहिए बट वो बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में रिपेल होना शुरू हो जाते हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की गिनती इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग सेम होता है, जबकि हमें पता है कि नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है। बट यहाँ पे रेडियस जो है वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सेम है क्योंकि 4f ऑर्बिटल के एंटर करने की वजह से, लेंथेनॉइड्स की एंटर करने की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटर करते हैं और 5d ऑर्बिटल के बाद में जब 14 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा और इतना डिक्रीज करेगा कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस लगभग सेम हो जाएगा। आगे आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई जो है वो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी कम होता जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सेम है तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयनिक रेडियाई जो है वो कम होना आगे है मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर में क्या है कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स होते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, लैंथेनम से लेकर मर्करी तक, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो बहुत होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, इसलिए इनका मेटालिक करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। मेटालिक करेक्टर जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे और जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से एटमाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है कि एक एटम को अलग होने में, पूरे एलिमेंट्स के साथ में जो जुड़ा हुआ उसको आइसोलेट करने में कितनी एंथैल्पी लगती है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। आगे है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनके पास मेटेलिक बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि पहले ही बात हो चुकी है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे और जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं। आगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है और पी ब्लॉक की बहुत ज़्यादा, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की उसके बीच में लाई करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती बढ़ती जाएगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। जिंक, कैडमियम और मर्करी ट्रांजिशन सीरीज के सबसे लास्ट में आते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो इनके पास एस और डी ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड होता है जो काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनके पीछे का रीज़न है कि इनके पास डी और एस ऑर्बिटल होता है जिसका एनर्जी लेवल लगभग सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एस और डी किसी भी ऑर्बिटल में एंटर कर सकते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो
वेरिएबल होती है और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हायर कलर्ड कंपाउंड्स का बनना। ट्रांजिशन एलिमेंटल मेटल आयंस जो हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। जब वाइट लाइट जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स वाइट लाइट जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक खास किस्म की एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब एक्साइटेड होकर हायर ऑर्बिटल पे जाते हैं। उसके बाद जब ग्राउंड स्टेट पे वापस आते हैं तो वही लाइट जो है वो एमिट करते हैं। जो लाइट एमिट की है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कलर जो अब्जॉर्ब की थी उसका कॉरस्पॉन्डिंग कलर ही वो एमिट करते हैं, इसलिए वो कलरफुल दिखाई देते हैं। कॉपर टू पॉजिटिव साल्ट जो है वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि रेड कलर जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू कलर जो है वो एमिट होता है। जिंक टू पॉजिटिव साल्ट, जिंक साल्ट, कैडमियम साल्ट, मर्क्यूरी साल्ट जो है वो वाइट कलर के होते हैं, क्योंकि इनके पास फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता।